आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 5 ऑफ BHUMSC जूलॉजी एंट्रेंस पेपर 2016। सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड फॉर बेटर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 122, ग्रे क्रिसेंट ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर एंटीरियर साइड ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, पोस्टीरियर साइड, वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जो ग्रे क्रिसेंट है वो डिवेलपिंग एम्ब्रियो की डॉर्सल साइड को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट टू क्लीवेज डिवीजन, द डॉटर सेल्स आर स्मॉलर इन साइज देन द मदर सेल्स। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन 2, देयर इज नो ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑप्शन 4 देखें, द डिवीजन आर रैपिड एज कम्पेयर टू माइटोटिक डिवीजन, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एम्ब्रियो ग्रोज, ऑप्शन 3 देखें, एम्ब्रियो रैपिडली ग्रोज इन साइज एज द सेल इंक्रीज इन नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्लीवेज डिवीजन से रिलेटेड ठीक नहीं है, क्योंकि क्लीवेज डिवीजन के दौरान सेल नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन एम्ब्रियो का जो साइज है वो ग्रो नहीं होता, उसमें इंक्रीज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 124, हैंसन नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन ऑफ एम्फीबियंस, मैमल्स, सियर्चन, बर्ड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। हैंसन नोड इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स द ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ एवियन एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 125, इफ ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ अ जीन हैंड लिम्ब गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फोर लिम्ब, सच ट्रांसफॉर्मेशन आर नेम्ड एज पोलैरिटी डिफेक्ट म्यूटेशन, ट्रांसवर्शन, ट्रांजिशन और होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें बॉडी का एक आर्गन दूसरे आर्गन से रिप्लेस हो जाता है। अगर हैंड लिम्ब की जगह फोर लिम्ब्स डिवेलप हो जाता है तो इसको हम नाम देंगे होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन का। क्वेश्चन नंबर 126, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन इन एम्फीबियंस एम्ब्रियो इज नॉन एज ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोडिस्क और ब्लास्टोपोर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ब्लास्टोसील इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन इन एम्फीबियंस। क्वेश्चन नंबर 127, द एबिलिटी ऑफ अ सेल आर टिश्यू टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्शन सिग्नल इज नॉन एज डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिकेशन, कॉम्पिटेंस, डिफ्रेंशिएशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। किसी भी सेल या टिश्यू की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो एक स्पेसिफिक इंडक्शन सिग्नल को रिस्पॉन्स करे तो उसे हम नाम देंगे कॉम्पिटेंस का। क्वेश्चन नंबर 128, द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू अचीव दियर रिस्पेक्टिव फैट्स बाई देम सेल्स विदआउट द इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग सेल्स इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, सेंसिशियल स्पेसिफिकेशन और नॉन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 के अगर सेल्स की वो एबिलिटी जिसके थ्रू उन्होंने फ्यूचर में जो चीज़ जो आर्गन बनाना है वो अचीव कर लेते हैं तो उसके अलावा उनके ऊपर कोई नेबरिंग सेल्स की इन्फ्लुएंस भी नहीं होती तो इसको हम नाम देंगे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 129, इंसेक्ट एम्ब्रियोज अंडरगो रोटेशनल क्लीवेज फार्मिंग सेंसिशियम, स्पायरल क्लीवेज फार्मिंग सेल्स ऑफ अनइक्वल साइजेस आर सुपरफिशियल क्लीवेज फार्मिंग सेंसिशियम आर गैस्ट्रोलेशन विदाउट क्लीवेज डिवीजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। इंसेक्ट एम्ब्रियो के अंदर जो है सुपरफिशियल क्लीवेज होती है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो होती है लेकिन सेल डिवीजन नहीं होती, जिसके नतीजे में एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर या सेंसिशियम क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 130, द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ ब्लास्टोला विच आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड एज हैंसन नोड, प्रीमिटिव ग्रूव, इंड्यूसर रीजन आर न्यूकोप सेंटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। न्यूकोप सेंटर इज द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ ब्लास्टोला और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ऑर्गेनाइजर रीजन को इंड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 131, इफ द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप टिश्यू ऑफ ज़ीनोपस एम्ब्रियो इज ट्रांसप्लांटेड इनटू वेंट्रल साइड ऑफ अनदर एम्ब्रियो, तो इसके नतीजे में क्या होगा, एक सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म्ड हो जाएगा इन द ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो और इट विल डिवेलप्स इनटू द ट्विन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 132, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ मैमल्स आर ड्राइड फ्रॉम ट्रोफो एक्टोडर्म, इनर सेल मास, गैमेट्स, ब्लास्टोकोल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं मैमल्स के वो इनर सेल मास से ड्राइव होती हैं और इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि ये ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो उनको ये डिवेलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इज मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री. तो मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर्स हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है. अगर वाटर वेपर्स ना दिया हुआ हो ऑप्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ हो तो फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक करना है. लेकिन जहाँ पे जो कि वाटर वेपर्स अवेलेबल है तो मोस्ट अबंडेंट गैस जो ग्रीन हाउस गैस है वो वाटर वेपर्स ही कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 134. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया. चीता, स्नो लियोपार्ड, वन हॉर्न रिनोसिरोस आर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन वन. जो चीता है वो इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 135. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो कोऑपरेटिव हंटिंग. हाइनास, लायंस, वाइल्ड डॉग्स, टाइगर्स. सो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर. कोऑपरेटिव हंटिंग का मतलब है कि झुंड के अंदर या ग्रुप के अंदर शिकार करना. तो ये टाइगर्स के अंदर नहीं होता. इसके अलावा हाइनास, लायंस और वाइल्ड डॉग्स, ये तीनों जो है वो कोऑपरेटिव हंटिंग शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 136. एन इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग टू स्पीशीज पॉपुलेशन व्हेन स्पीशीज ए बेनिफिट्स एंड स्पीशी इज बी इज नॉट अफेक्टेड इट इज़ नोन एज न्यूट्रलिज्म, एमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म, प्रोटो कॉरपोरेशन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री. कोमेंसलिज्म के अंदर एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलता है और दूसरी स्पीशीज़ को ना तो कोई बेनिफिट मिलता है ना ही कोई उसे नुकसान पहुंचता है. क्वेश्चन नंबर 137. कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग स्ट्राइडुलेशन इज फाउंड इन मॉथ, बटरफ्लाई, क्रिकेट्स आर फ्लाइज. सो राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री. स्ट्राइडुलेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बाई रबिंग सर्टन बॉडी पार्ट्स टूगेदर. तो यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इकट्ठे मिला के कोई साउंड प्रोड्यूस करना, ये स्ट्राइडुलेशन कहलाता है. तो ये कम्युनिकेशन पाई जाती है क्रिकेट्स के अंदर. क्वेश्चन नंबर 138. लोकस्ट एग्जिबिट बोथ सोलेट्री एंड ग्रीगेरियस फेजेस. यानी सोलेट्री लोकस भी होती हैं और ग्रीगेरियस लोकस भी होती हैं. यंग लोकस्ट रियर्ड इन आइसोलेशन एग्जिबिट मॉडरेट एक्टिविटी लेवल. यानी जिनको आइसोलेशन के अंदर हम रियर करते हैं तो वो मॉडरेट एक्टिविटी या मॉडरेट फ्लाइट शो करती हैं. वाइल होपर्स रियर्ड अंडर क्राउडेड कंडीशन इंगेज इन लॉन्ग फ्लाइट. लेकिन जो होपर्स हैं अगर उन्हें क्राउडेड कंडीशन के अंदर हम ग्रो करवाते हैं तो वो लॉन्ग या हाई एक्टिविटी या लॉन्ग फ्लाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं. एडल्ट लोकस्ट दैट डिवेलप फ्राम द सोलेट्री लोकस्ट रिटेन प्रोथ्रेसिक ग्लैंड. यानी जो सोलेट्री लोकस से एडल्ट लोकस डिवेलप होते हैं उनमें प्रोथ्रेसिक ग्लैंड होता है. लेकिन जो एडल्ट ग्रीगेरियस होपर से डिवेलप होते हैं उनके अंदर प्रोथ्रेसिक ग्लैंड एबसेंट होता है. तो यहाँ पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू रिड्यूस द जनरल एक्टिविटी ऑफ ग्रीगेरियस होपर. तो यानी ग्रीगेरियस होपर्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए. ऑप्शन वन ऑटो रेडियोग्राफी एंड साइटो इम्यूनो केमिस्ट्री. ऑप्शन टू इज़ रेडियो इम्यूनो एसे. ऑप्शन थ्री इज़ ट्रांसप्लांटेशन. ऑप्शन फोर इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द स्पेसिफिक हार्मोन. तो इसमें जो बेस्ट टेक्निक है जो ग्रीगेरियस होपर्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकती है तो वो है ट्रांसप्लांटेशन. क्वेश्चन नंबर 139. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एगोनिस्टिक इंटरेक्शन. तो एगोनिस्टिक इंटरेक्शंस जो होती हैं वो फाइटिंग से रिलेटेड होती हैं और इनमें से कौन सा जो है वो एगोनिस्टिक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है. टेरिटोरियल बिहेवियर, डोमिनेंस बिहेवियर, डिसिप्लिनरी एक्शन बाई पेरेंट्स ड्यूरिंग विनिंग और प्रीडेटरी बिहेवियर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर. प्रीडेटरी बिहेवियर जो है वो एगोनिस्टिक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. क्वेश्चन नंबर 140. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल जीनेटिक्स. क्रॉस फोस्टरिंग एक्सपेरिमेंट्स, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस एनालिसिस और आर्टिफिशियल सिलेक्शन टेक्निक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर. ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो बिहेवियरल जीनेटिक्स में यूज़ नहीं की जाती. क्वेश्चन नंबर 141. अ केमिकल यूज फॉर इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन इज नॉन एज एन एलोमोन, अ फेरोमोन, अ कैरोमोन और साइनोमोन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन टू. इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विद द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज. तो इसके लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो है फेरोमोन. क्वेश्चन नंबर 142. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. टेक्टाइल, ऑल्फैक्ट्री, विजुअल, ऑडिटरी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन टू. ऑल्फैक्ट्री जो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो सबसे अर्लीस्ट है अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन नंबर 143. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोसाइटी. अ ग्रुप ऑफ फ्लाइज ऑन अ राइप बनाना, एन आंट कॉलोनी,
अ हार्ड ऑफ एलिफेंट और अ वेम्पायर बैट कलोनी। तो इसमें ऑप्शन वन जो है वो एक सोसाइटी नहीं है, यानी ग्रुप ऑफ फ्लाइज जो कि राय बनाना के ऊपर बैठी हों तो वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 144। व्हेन एन अनप्लांटेबल स्पीशीज मिमिक एन अदर अनप्लांटेबल स्पीशीज इट इज नॉन एज बैट्सियन मिमिक्री, वास्मानियन मिमिक्री, एग्रेसिव मिमिक्री, मलेरियन मिमिक्री। सो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर कि जब एक अनप्लांटेबल स्पीशीज मिमिक करती है किसी दूसरी अनप्लांटेबल स्पीशीज को तो इसे हम नाम देते हैं मलेरियन मिमिक्री का। क्वेश्चन नंबर 145। द स्टडी ऑफ लर्निंग फिनोमिनॉन इन्वॉल्विंग स्टिमुलस स्टिमुलस पेयरिंग, यानी एक स्टिमुलस के बाद दूसरा स्टिमुलस दिया जाता है, यके बाद देख रहे, इट इज़ अ करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑपेरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग सेट्स आर हैबिचुएशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन टू, स्टिमुलस स्टिमुलस पेयरिंग जो है वो करैक्टरिस्टिक फीचर है क्लासिकल कंडीशनिंग का और इस पर पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 146। If the two organisms are in the same phylum, they must also be in the same species, class, kingdom, family. So the answer is option 3, कि अगर दो organisms का phylum same है तो उनका kingdom भी same होगा। Question number 147. Which one of the following is known to give biological species concept? Meyer, Darwin, Linnaeus, Candolis. So the answer is option 1. Ernest Meyer ने जो है वो biological species concept को introduce करवाया था। Question number 148. Origin of species due to geographical isolation is referred as sympatric speciation, allopatric speciation, parapatric speciation or peripatric speciation. So the answer is option 2. कि अगर दो species या origin of species होता है due to geographical isolation से तो इसको हम नाम देंगे allopatric speciation का। Question number 149. In case of Bombay X mori, the silk thread is made from subcutaneous larva layer of larva, subcutaneous layer of adult, salivary glands of larva or salivary gland of adult. So correct answer is option 3. जो Bombay X mori है उसके अंदर जो silk develop होता है वो salivary gland of larva से develop होता है। Question number 150. Pebrine is a disease caused by protozoan parasite affecting apiculture, sericulture or lag culture or pisciculture. So correct answer is option 3. Pebrine disease जो है वो silk worm की disease है और ये protozoans नोसीमा की वजह से होती है और ये मोस्टली सेरी कल्चर को अफेक्ट करती है।